अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज की वीडियो में मैं बात करूंगा आलम बरज़ख यानी कब्र से मुतल्लक अकीदे के बारे में। नंबर एक, जब आदमी मर जाता है अगर इसको दफनाया जाए और अगर ना दफनाया जाए, वो जिस हाल में भी हो उसके लिए आलम बरज़ख शुरू हो जाता है। आलम बरज़ख में सबसे पहले इसके पास दो फरिश्ते आते हैं जिनमें से एक को मुनकर और दूसरे को नकीर कहते हैं। नंबर दो, मुनकर नकीर आकर तीन बातें पूछते हैं। नंबर एक, तेरा परवरदिगार कौन है? नंबर दो, तेरा दीन क्या है? नंबर तीन, हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम के बारे में पूछते हैं कि ये कौन है। अगर मरने वाला आदमी ईमान वाला हो तो ठीक ठीक जवाब दे देता है। फिर इसके लिए सब तरह का आराम, चैन और सुकून है। और अगर ईमान वाला ना हो तो वो सब बातों में यही कहता है, हाय हाय मैं कुछ नहीं जानता। फिर इस पर बड़ी सख्ती और तरह तरह का अजाब होता है। नंबर तीन, कब्र का सवाल और जवाब बिल्कुल बरहक हैं, मगर बाजों को अल्लाह ताला इस इम्तिहान से मुआफ फरमा देता है। और अल्लाह और रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने इसकी खबर दी है, इस पर ईमान लाना बहुत जरूरी है। नंबर चार, आदमी उम्र भर जब कभी भी तौबा करे या मुसलमान हो जाए तो अल्लाह ताला के हाँ इसकी ये तौबा काबिले कबूल है। अलबत्ता जब दम टूटने लगे और अजाब के फरिश्ते दिखाई देने लगे तो इस वक्त ना तो तौबा कबूल होती है और ना ही ईमान। नंबर पांच, उम्र भर कोई कैसा ही बुरा भला क्यों ना हो, मगर जिस हालत पर खात्मा होता है इसी के मुताबिक उसको जजा और सजा होती है। नंबर छह, ईमान के साथ मरने वाले के लिए दुआ और नेकी और कुछ खैरात करके इसका सवाब बख्शने से इसको सवाब पहुंचता है, इसको इसाले सवाब कहते हैं, इससे उसको बड़ा फायदा पहुंचता है। दोस्तों, उम्मीद करता हूं आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारा चैनल मेहरबान वॉइस टीवी सब्सक्राइब करें। और मुझे इजाज़त दीजिए अगली वीडियो तक के लिए। अल्लाह हाफिज़।